सेट की एक और नई टॉपर से मिलते हैं करण जैन से, जो कि हरिद्वार से हैं, जिनका ऑल इंडिया रैंक 24 है। तो करण, सबसे पहले तो ऑल इंडिया रैंक 24 के लिए आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच। तो करण, आपका जो इंटायर सक्सेस जर्नी है, मैं चाहूंगा पहले तो आप वो बताओ, फिर कुछ चीजें और पूछूंगा मैं आपसे। सर, मैंने एक्चुअली 12th के बाद से ही ट्यूशंस वगैरह दिए हैं काफ़ी। 3 years मैंने ट्यूशन पढ़ाया है यूके बोर्ड, CBSE और ICSE के बच्चों को। कौन सी क्लास को? सर, 1st से 12th स्टैंडर्ड तक। ठीक है, सब स्टैंडर्ड के बच्चों। वो काम आई आपकी पढ़ाई भी? हाँ जी। फिर सर, मैंने आपका फुल टाइम कोर्स ज्वाइन करा था, फिर मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट करी, देन मेरे सेमेस्टर एग्जाम्स आ गए, तो वो 1.5 महीने का गैप हो गया उसमें। तो फिर मेरे को लगा कि ट्यूशंस वगैरह के साथ नहीं हो पाएगा, घर का काम भी था और भी एडिशनल चीज़ें होती थी कि काम बहुत टाइम बहुत कम पड़ जाता था पढ़ाई के लिए। तो फिर सर, मैंने अक्टूबर तक पढ़ाया ट्यूशन, उसके बाद छोड़ दिया कि अब इसी में अच्छे से करना है, फाइनली निकालना है इस साल जैसे भी करके। फिर उसके बाद सर रेगुलरली पढ़ा, देन फिर से एग्ज़ाम आ गए, सेमेस्टर एग्ज़ाम 2 बार, तो फिर से 1.5 महीने का गैप हो गया। बट सर, वो अर्ली मॉर्निंग्स एंड लेट नाइट्स में कवर करा, और कैसे भी करके सारी क्लासेस, टेस्ट वगैरह, सारी DPTs वगैरह सब कुछ कवर करी कि कुछ भी छूटना नहीं चाहिए, ताकि बाद में रिग्रेट ना हो मैंने ये नहीं करा था, वो नहीं करा था। एक्स्ट्रा एफर्ट्स दिए मैंने। ऊपर से सर, मेरे को हमेशा से सेल्फ स्टडी की हैबिट है, मैंने कभी भी ट्यूशन नहीं पढ़ाए, खुद पढ़ाया है 3 साल, कभी खुद से ट्यूशन नहीं पढ़ाए बचपन से लेकर 12th तक। इनफैक्ट सर, मैंने अपनी BSc में भी ग्रेजुएशन में कुछ क्लासेस ज़्यादा अटेंड नहीं की है, यूट्यूब से नोट्स वगैरह बना के, बुक्स भी परचेज नहीं किए मैंने, यूट्यूब से ही नोट्स बना के कराए, उसमें भी अच्छे मार्क्स आ जाते थे ग्रेजुएशन में भी। तो सर, सेल्फ स्टडी की हैबिट थी, प्लस मैंने ट्यूशंस भी पढ़ाए थे, तो मेरे को इंडिविजुअल पर्टिकुलर एक एक सब्जेक्ट पर ध्यान देने का बहुत ज़्यादा वो था, मैंने एक एक सब्जेक्ट पर फोकस किया, पूरी मैथमेटिक्स, पूरी रीजनिंग, पूरी क्वांट, कंप्यूटर, इनफैक्ट इंग्लिश भी थोड़ा सा देख लिया था। वेरी गुड। हाँ सर, इंडिविजुअली सारे सब्जेक्ट को मेरे को स्ट्रॉन्ग करना था कि आगे भी हेल्प करेंगी और एग्जाम भी क्लियर हो जाएगा, कोई मेरे को रिग्रेट नहीं रहेगा कि किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट की वजह से मेरा एग्जाम रह गया। तो मैंने इंडिविजुअली सारे सब्जेक्ट पर ध्यान दिया। एंड आपने रैंक फाइनल ईयर के साथ अचीव की? हाँ जी। वेरी गुड। तो देखिए, मैं पहले कुछ बता दूं, क्योंकि मैं लगभग सभी बच्चों के बारे में जब मिलता हूं, जानता हूं, बहुत सारी चीजें पता चलती है। करण ने फाइनेंशियल कंडीशन, मतलब फैमिली सिचुएशन इतनी अच्छी नहीं थी, तो 12th क्लास से पढ़ा रही है, पहले तो 3 साल पढ़ाया भी, खुद भी पढ़ा कॉलेज के लिए, और साथ में फाइनल ईयर के साथ ये रैंक भी अचीव की। तो करण, एक बार बताओ, जब आपका सेमेस्टर एग्जाम, लास्ट वाला सेमेस्टर एग्जाम कब था आपका? सर, जनवरी फरवरी में। उसके बाद सर डिले चल रहा था, तो फरवरी में था बस, उसके बाद फ्री हो गया था। पर जब आप सेमेस्टर एग्जाम दे रहे थे, जब मन में क्या थॉट था आपका कि मैनेज होगा नहीं होगा, या उस समय आपकी निमसेट की पढ़ाई को आपने कैसे कम्प्रोमाइज किया? सर, मेरा थोड़ा सा अलग था, मतलब क्योंकि मैंने, मेरा ऐसा रहता था कि कॉलेज जैसे सेमेस्टर एग्जाम आएंगे तो तभी प्रिपरेशन करनी है, 1.5 महीने का गैप हो जाए चाहे, मेरे से वैसे नहीं हो पाता था कि कॉलेज का भी थोड़ा पढ़ रहे हैं और थोड़ा निमसेट का भी। अच्छा। क्योंकि इतना टाइम ही नहीं होता था कि दोनों चीज़ें बैलेंस हो जाएं, तो कॉलेज का कुछ टाइम के लिए छोड़ दिया था निमसेट की प्रिपरेशन, देन कॉलेज के जब एग्जाम्स आ रहे थे तो 1.5 महीने का फिर गैप हो गया था, प्रॉपर नोट्स बनाए। 1.5 महीने निमसेट की ज्यादा पढ़ाई नहीं की? ज्यादा क्या सर, बंद बिल्कुल। करेक्ट, ठीक है ना। जैसे अभी मैंने चिराग का लिया इंटरव्यू, आर्यन का लिया, उन्होंने दोनों मैनेज किया, सबका अपना अपना तरीका होता है। और मैं इसलिए जानना चाह रहा हूँ क्योंकि जो बच्चे फाइनल ईयर कर रहे होते हैं, वो कई बार उनका ये इशू होता है कि कर कैसे मैनेज करेंगे, इसलिए मैं हर बच्चे से ये बात पूछ रहा हूँ। फिर वो सर डीमोटिवेशन ना आ जाए दोनों चीजें साथ में, तो इसलिए मैंने वो गैप कर दिया था। फिर सर, जब सेमेस्टर एग्जाम खत्म हुए, उसके बाद मेरे को थोड़ा रिजल्ट की चिंता थी कि मतलब मैंने खुद से ही पढ़ाया तो मेरी परसेंटेज कम ना रह जाए, एलिजिबल हूँ भी या नहीं मैं, वो दिक्कत ना हो जाए। तो जब तक रिजल्ट आया अप्रैल तक थोड़ा सा स्ट्रेस था, बट निमसेट कंटिन्यू रखा। इनफैक्ट मेरे साथ कुछ बच्चे भी जुड़े हुए थे जो मेरे को बोलते थे कि तेरा नहीं निकलेगा तो किसका निकलेगा, तेरा स्कोर भी आ जाता है टेस्ट वगैरह में। तो मैंने छोड़ा नहीं, एंड तक कंटिन्यू रखा, और थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट्स दिए सर मैंने, अर्ली मॉर्निंग्स उठकर, लेट नाइट्स, पता नहीं चलता था 5 बज जाते थे कभी कभी रात को, फिर जब नहीं हो पाया रात को तो फिर सुबह उठने का जल्दी करा, पर सर कवर करा कैसे भी, घर का काम भी होता था थोड़ा तब भी। सर 11 बजे से 5 बजे का गैप हो जाता था तब भी मेरा, कि पढ़ाई बंद 6 घंटे के लिए, पर कर लेते थे। हाँ जी। अच्छा, ये बताओ कि आपने जब टेस्ट पेपर देते थे, तो टेस्ट क्योंकि बहुत वैरायटी के थे इंपीटस के, तो स्कोर अप डाउन भी होता होगा। हाँ जी। तो उसको कैसे मैनेज करते थे, मतलब उसको अपने आप को कैसे समझाते थे? कई बच्चों ने बोला कि इस ढंग से करते थे, आपका क्या एक्सपीरियंस? एक तो सर टेस्ट सीरीज तो लेता ही इंसान इसलिए कि अप्स डाउन वो देख सके, तो मेरे को वो चीज़ तो उसमें बढ़िया लगती थी कि कभी कम भी आ रहा है, ज्यादा भी आ रहा है, उससे ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होते हम कि हमारा तो अच्छा स्कोर आ रहा है निकल ही जाएगा, कम आता है तो मेहनत करते हैं कि अभी तो हम बहुत पीछे हैं, अभी तो कुछ भी नहीं आता है, और एग्जाम भी निकल जाएगा तो नॉलेज भी नहीं है, अभी तो कुछ भी नहीं पढ़ा है, मुझे ऐसा लगता है अभी मैंने, मेरे को कुछ भी नहीं आता है, बहुत कुछ सीखना है। तो हमेशा ये रहता था कि सीखना है सीखना है, और कुछ नया मिल जाए, कोई नया फॉर्मूला मिल जाए, कोई शॉर्ट अप्रोच मिल जाए करने की। तो सर मैंने फॉर्मूला नोटबुक बना रखी थी अपनी, जैसे ही लेसन खत्म हुआ कोई एक पर्टिकुलर चैप्टर, एक टॉपिक, तो उसके नोट्स बना लिए,
और ऐसा नहीं है कि नोट्स बना के उन्हें एक साइड फेंक देना है, उन्हें रेगुलरली रिवाइज करना है, उनको वीकली रिविजन का रखा एक एक घंटा डेली देके, तो सर उस तरह से। ओके तो ये बताओ मुझे कि एग्जामिनेशन हॉल में आपका क्या माइंडसेट था जब आपके पास पेपर आया, तो क्योंकि इस बार पेपर देख के कई लोगों के अलग अलग थॉट प्रोसेस थे, आपका क्या प्रोसेस थॉट प्रोसेस था? सर मैंने जब मतलब स्टार्टिंग मेरे साथ क्या दिक्कत हुई है, मैंने हमेशा फ़ोन से स्टडी की है, तो मुझे जूनियर्स को तो यही मैसेज देना है कि आप भले ही फ़ोन से पढ़ रहे हो बट लास्ट वन मंथ में लैपटॉप पर टेस्ट जरूर देना। मैंने नहीं दिया सर, एक भी नहीं देते दिया। तो और अच्छा होता। हाँ, वैसे तो आपका ऑल इंडिया 24 रैंक है, अपने आप भी बहुत अच्छी है, बट सर जूनियर्स तो उनके लिए तो हम बता सकते बिल्कुल हैं कि सही है। इवन आप भी सर लैपटॉप पे कल महीने प्रैक्टिस करते तो हो सकता था 24 की जगह 2 रैंक होती, 1 रैंक भी हो सकती थी। तो सर जब एग्जाम स्टार्ट हुआ तो वैसे तो मेरे को हैबिट थी एग्जाम से पहले काम करके डायरेक्ट टेस्ट पे बैठने की, तो वहाँ गर्मी वगैरह उसका तो फर्क नहीं पड़ा, बट लैपटॉप पे फर्स्ट टाइम दिया तो मेरे थ्री स्टार्टिंग के 3 मिनट्स में तो आई वॉज कम्प्लीटली ब्लॉक्ड कि क्या करूँ, मेरे को समझ नहीं आ रहा है। मैंने 3 मिनट कुछ भी नहीं करा, फिर बस ये था कि एग्जाम तो देना ही है, प्रिपरेशन करी है, तो ज़्यादा मैंने स्ट्रेस नहीं लिया कि निकलेगा नहीं निकलेगा, क्योंकि मेरे पेरेंट्स का भी ऐसी था कि वो देखते हैं कि ठीक है हमारा बच्चा हार्डवर्किंग है, तो वो कुछ नहीं बोलते थे कि नहीं भी निकलेगा कोई नहीं, उन्होंने साफ बोल रखा था कि पढ़ो और एग्जाम देना है, नहीं निकलेगा तो हम बैठे हैं कोई दिक्कत नहीं है, तो इसलिए वो स्ट्रेस नहीं था। फिर मैंने कंटिन्यू रखा एग्जाम, मेरे को थोड़ा सा पहले लगा कि ईजी है पेपर, बट वो ईजी नहीं था, कुछ डिफरेंट ही था इस बार, कुछ बच्चों को ईजी लगा इसलिए उनके मैक्सिमम कुछ नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा रॉन्ग हो गए, मेरे भी सर थोड़े नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा रॉन्ग हो गए थे, मेरे मैथ्स में 35 करेक्ट थे और 6 क्वेश्चन रॉन्ग थे, उसकी वजह से नेगेटिव मार्किंग ज़्यादा हो गई, मेरी थोड़ी सी रैंक डाउन हो गई। बाकी सर फिर जब मैथ्स चला गया तो मैंने मैथ्स के बारे में बिल्कुल नहीं सोचा, आपने यही बता रखा था कि कम से कम मैथ्स खराब हो जाए तो आगे का संभाल लेना, नहीं भी निकलेगा एग्जाम तो उन 3 सब्जेक्ट के लिए रिग्रेट नहीं होगा, मैथ्स के लिए हो जाएगा कोई बात नहीं, तो मैंने मैथ्स को छोड़ के बिल्कुल LR पे शिफ्ट कर दिया अपना माइंड, मैंने सोचा ही नहीं उसके बारे में कुछ भी। सर मैंने LR करी फिर अच्छे से, फिर LR से कंप्यूटर के टाइम पे सिर्फ कंप्यूटर और कुछ भी नहीं, कंप्यूटर के बाद इंग्लिश पे तो सिर्फ इंग्लिश, उस तरह से सर। तो जब आपने तीनों सेक्शन को बहुत अच्छे से संभाला और सबसे अच्छी बात यह है कि आपने अच्छे से मैनेज किया, पर एक बहुत अच्छी बात बोली इसने, मैं भी आप सुना होगा तुमने कि बच्चों को बोलता हूँ कि अगर हो सके तो कुछ दिन के लिए लैपटॉप पे जरूर दो, ये बात मैं सबको बोलूंगा कि आप अगर देते हैं लैपटॉप पर डेस्कटॉप पे तो कहीं ना कहीं फर्क पड़ता है। अब जैसे सोचिए कि 4-5 मिनट केवल इस माइंडसेट को करने में कि मोबाइल से सीधे लैपटॉप पे आए तो लग गए, 4-5 मिनट में तो एक दो क्वेश्चन बढ़ जाते हैं और एक दो क्वेश्चन काफी क्वेश्चंस तो अटेम्प्ट ही नहीं करे, मेरे को लग रहा था कि ये हो जाएंगे, वापसी आने का टाइम नहीं मिला तो वो गलत हो गए, और कुछ क्वेश्चंस तो देख के छुए ही नहीं है, वो छूट गए, आते थे हो जाते शायद। आज आपके पापा भी आए, आपकी सिस्टर भी आई। अच्छा करण, आपने आज पूरे दिन अवार्ड सेरेमनी अटेंड की, बहुत सारे बच्चों के डिफरेंट डिफरेंट एक्सपीरियंस सुने, आपका खुद का क्या एक्सपीरियंस है मैं जानना चाहूंगा। सर अवार्ड सेरेमनी सर वो बहुत ही अच्छा मतलब फैंटास्टिक एक्सपीरियंस, क्योंकि सर हम कहीं भी कोई भी सेरेमनी टाइप या कुछ भी गेट टुगेदर अटेंड करते हैं तो हमें बच्चों के भी थॉट्स पता चलते हैं, उनकी स्टोरीज हमें पता चलता है कि हम ही सिचुएशन से नहीं गुजर रहे हैं, बाकी बच्चे भी गुजर रहे हैं, वो और भी वर्स्ट कंडीशन में कर रहे हैं, तो हमें आगे के लिए मोटिवेशन मिलता है। और सबसे अच्छा मेरे को सौरभ सर का लगा, उनकी जर्नी सुन के तो मुझे ऐसा लगता है कि आगे मुझे कितना भी बड़ा डाउनफॉल देखने को मिले तो रुकना नहीं है, आगे बढ़ते रहना है, कम मिलेगा भले ही किस्मत में कम लिखा होगा बट रुकना तो नहीं है, फिर हमारी गलती होगी रुक के। और सब बच्चों ने अपना अपना बताया तो बहुत ही बढ़िया, मतलब ऐसी कंडीशन में ऐसा भी कर सकते हैं, और सब टीचर्स को सुनकर वहाँ एक सर अलग ही वाइफ आई, मतलब जैसे सर मंदिर में जाके आती है ना एक अलग ही वाइफ फील करते हैं हम, फिर वहीं के हो जाते हैं, ऐसे सर सेरेमनी के ही हो गए थे उस वक्त की, वहाँ से निकलने का मन नहीं कर रहा था। थैंक यू, अच्छा लगा आपको ये जान के, मुझे भी जान के। अच्छा आपकी सिस्टर आई तो मैं चाहूँगा उनको भी बुलाऊँ तो उनके क्या एक्सपीरियंस रहा है वो भी मैं जानना चाहूँगा। तो सबसे पहले तो करण की 24 रैंक के लिए आपको ढेर सारी शुभकामनाएं, बहुत ही होशियार बच्ची है, देखिए कितना अच्छे से इसने मैनेज किया, ट्यूशंस भी पढ़ाई, कॉलेज को भी मैनेज किया और इस सब के बाद भी निमसेट में टॉप 24 रैंक लेके आई। इनफैक्ट हो सकता था और मतलब उसके हिसाब से तो 24 भी थोड़ी ज़्यादा हो गई, अगर वो शायद प्रैक्टिस करती तो और अच्छी रैंक आती। तो आप क्या कहना चाहोगे पहले तो उसके बारे में वो बताओ, फिर आगे मैं पूछूंगा कुछ चीज़ आपसे। सर 24 रैंक ऐसे ही नहीं आई है, मतलब मैंने अपने आंखों से उसका स्ट्रगल देखा है कंटिन्यूस आर्स का। तो हमारा घर ठीक है, अच्छा बड़ा है बट फैमिली बड़ी है, दैट्स वाई बहुत ज़्यादा स्पेस या एक प्राइवेट रूम नहीं मिल पाता था। तो सी सेट की मुझे एक स्टडी टेबल ला दे, मतलब कोई सेटअप नहीं था फर्नीचर का कि वहाँ जाके पढ़ ले वो, तो सी सेट की एक स्टडी टेबल आ जाए जो अलग से आती है, तो मैंने ला दी एंड शी मेड 4x4 का एरिया कि ये मेरा है, और वो बस वहाँ बैठी रहती थी, ऐसा लगता था दुनिया उसकी बस उतनी है। कॉपी किताब रखे एंड शी मेड टारगेट कि दैट आई विल फिनिश 1 पेन डेली।
वरना मैं सोऊंगी नहीं। एक पेन का टारगेट रोज था कि वो पेन मुझे रोज खत्म करना ही करना है वरना सोऊंगी ही नहीं। तो वो अभी पेन रखे हुए हैं तो वो ट्रॉफी की तरह ही लगते हैं। तो 24 रैंक ऐसे ही नहीं आई है। सारे जो फैमिली फंक्शंस है, गैदरिंग्स है, कोई मामा जी आए हैं, फूफा जी आए हैं, उन सबसे बिल्कुल अलग हट के बैठ के अपने मन को मना के, नॉट फॉर अ सिंगल मिनट कि जाके मिल लो, वो सब कट करना पड़ा। सारे अपने एफर्ट्स, अपने कम्फर्ट जोन से पूरा बाहर आना पड़ा। मैंने कभी इसको सुबह उठते नहीं देखा, कभी भी नहीं, इवन नॉट इन बोर्ड एग्जाम्स। बट शी मेड पूरे, नॉट फॉर अ सिंगल डे, पूरा जर्नी में वो सुबह 5 बजे उठी है। तो मतलब आसानी से तो कुछ नहीं मिलेगा। यू नीड टू कम आउट ऑफ योर कम्फर्ट जोन, तभी आपको कुछ अलग मिलेगा जो शायद दूसरे को नहीं मिलेगा। और स्पेसिफिकली बीइंग अ गर्ल, मैं गर्ल्स को ये बोलना चाहूँगी कि प्रीवियसली जमाना ऐसा था कि लड़के लड़कियों को बाहर नहीं भेजते थे। अब फिर जमाना चेंज हुआ कि लड़कों को भेज देते हैं, लड़कियों को नहीं भेजते थे। लेकिन आज हम उस मतलब जमाने में जी रहे हैं। मतलब फॉर्चुनेटली हमारी बहुत अच्छी किस्मत है कि हम उस वर्ल्ड में हैं कि अब कोई वो नहीं है, डर नहीं है पेरेंट्स को कितनी दूर अपनी गर्ल्स को भी भेजते हैं विदाउट एनी फियर। तो बीइंग अ गर्ल मैं यही बोलूँगी कि हमें जब इतनी अच्छी फैसिलिटी मिली है, हम उस जमाने में पैदा नहीं हो रखे जहाँ हमें घर के अंदर ही रहना है या 20 साल के बाद शादी करनी है, तो उसका हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाना चाहिए और इंडिपेंडेंट होना चाहिए, जो मतलब मैं भी कर रही हूँ और मेरी सिस्टर ने भी करा है। और ये तो जस्ट एक सीढ़ी है, स्टेप है, जस्ट अ स्टेप है, अभी तो आगे बहुत ज़्यादा कुछ है। और डेफिनेटली ये सिर्फ अपने लिए नहीं है, पहले अपने लिए करके फिर 10 लोगों को और अपनी तरह स्टैंड कराना है, मे बी फिनेंशियली कैसे भी उन्हें सपोर्ट करके और 10 अपने जैसे बंदे खड़े करने हैं। नॉट फ्रॉम फैमिली, कोई वीक सेशन है या कोई भी वर्ग आ जाए समाज का, उसमें तो मैं हमेशा यही बोलती हूँ कि खुद पढ़ के और आगे 4 को पढ़ाओ, वो 4 को और है तो वो चेन बनेगी जो आपने बात मानी। बिल्कुल सही बात है, पर अभी आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली और मैं भी ये बोलता हूँ कि कोई भी रैंक, जैसे इसकी 24 रैंक, सच में ऐसा नहीं है कि वो कोई अपने बिना मेहनत के 4x4 का एक छोटा सा जगह फिक्स कर लिया, किसी से नहीं मिलना, लगातार पढ़ना, ऐसा ही होता है। जो बच्चे अच्छी रैंक लाते हैं वो अपना जीवन में सब कुछ देते हैं। और मेरा एक डायलॉग है जो हमेशा बोलता हूँ मैं, बिना मरे स्वर्ग नहीं मिलता। कोई बिना मेहनत के रैंक ला ही नहीं सकता, और वो उसकी मेहनत है जो दिख रही है आज, जो आप लोगों ने भी देखी, और वो इसी वजह से इतनी अच्छी रैंक है। अच्छा, आज आपने पूरे दिन अवार्ड सेरेमनी अटेंड किया आपने, फादर ने, क्या आपका एक्सपीरियंस रहा? पहले सर यही लगता था कि हम ही वर्स्ट कंडीशन में है, बट वहाँ पे सुन के मैंने बहुत सारे बच्चों को ऐसा भी सुना है कि जिनके लिए इम्पॉसिबल था, बट दे मेड, उन्होंने कर दिखाया है ना। तो मे बी इन फ्यूचर हम वो किसी को बता सके एज अ स्टोरी, और हम तो आगे अच्छा ही करेंगे। हमें तो भगवान ने वो कर दिया है, उतना सक्षम कर दिया है कि हम अच्छा करेंगे और किसी की मदद ही करेंगे। बट अगर हमें कोई ऐसा बच्चा जिसे गाइडेंस चाहिए होगा, मे बी कोई मोटिवेशन चाहिए होगा, तो हम उन्हें उन बच्चों की स्टोरी सुना के मोटिवेट कर सकते हैं एटलीस्ट। तो बहुत अच्छी वाइफ थी, जैसे करण ने भी बोला, तो मन हट ही नहीं रहा था एक से बढ़कर, और एक बच्चों का कॉन्फिडेंस, कुछ बच्चे अकेले आ रखे थे तो कितना कॉन्फिडेंट थे, खुद स्टेज पे जा रहे हैं, अभी तो ग्रेजुएट ही हुए हैं, इतने कोई बड़े नहीं हुए, खुद स्टेज पे जाके पूरी स्पीच दे रहे हैं, आधे आधे घंटे भी दी किसी ने, तो बहुत अच्छा लगा कॉन्फिडेंस देख के बच्चों का। बिल्कुल, आपने एक बहुत अच्छी बात बोली। कई बार हमें ऐसा लगता है कि हमारी तकलीफ ही सबसे बड़ी, पर जब हम कईयों को जानते हैं, मैं भी जब जानता हूं तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि बहुत ऑड कंडीशन से भी निकल के कर लेते हैं, और वो हमारे लिए कहीं ना कहीं मोटिवेशन का काम करते हैं। तो करण, आपने अपने आप को एक तो प्रूव कर दिया, हर ऑड कंडीशन में प्रूव करा है, अब आपको NIT में भी जाके प्रूव करना है, और NIT में भी ऐसे ही मैनेज करना है, जो मैंने उसको भी बोला था, आर्यन को, चिराग को भी, और बाकी सबको ही बोलूंगा कि केवल आपको ऐसा नहीं कि पॉइंटर बनाना है फर्स्ट सेकंड सेमेस्टर, ये तो बहुत छोटा पार्ट है, वो तो बहुत जल्दी बना लोगे, जैसे कॉलेज में परसेंट बनाया आपने। आपको बहुत सारे एक्स्ट्रा कैरिकुलम, कोडिंग्स पे, कॉम्पिटिटिव कोडिंग पे, लैंग्वेज पे, बहुत सारी चीज़ों पे इतनी अच्छी प्रैक्टिस करनी है कि जब कैंपस प्लेसमेंट आए तो कैंपस प्लेसमेंट में भी टॉप प्लेसमेंट, क्योंकि इम्पिटस के बच्चे लेते हैं, परंपरा बनाए रखनी, तो वो आपको टॉप प्लेसमेंट भी मिले, और आप, क्योंकि एक इंसान की सक्सेस से, एक इंसान के अच्छा करने से आगे की जनरेशन बदल जाती है पूरी, तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आपके हाथ में, तो अब आप ऐसे ही आगे ग्रो करो। आपके सिस्टर ने बहुत सारी चीज़ें ऑब्जर्व करी, बहुत कुछ मैसेज दिया उन्होंने, उनका भी सपोर्ट है, मतलब ऐसा नहीं कि आप 4x4 पे बैठे हो, वो आपका काम है, पर मुझे लगता है जो फैमिली का सपोर्ट है इनडायरेक्टली, वो भी बहुत बड़ा सपोर्ट होता है। क्या कहना चाहोगे आप? हाँ, वही मैं बोल रहा हूँ कि ये सब भी बिल्कुल होता है, तो आप ऐसे ही आगे बहुत ग्रो करो। वंस अगेन ऑल द बेस्ट एंड कांग्रेचुलेशन। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।